ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। आज कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा, और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दुगुनी बढ़ी हुई है, दुगुनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयां बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़े। तो क्या मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है? अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम है।